गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है सबके। तो गाइस वेलकम टू अनदर व्लॉग। और व्लॉग में एंट्री होने तो कल मैं दिखा दूँ भाई व्यू गाँव का। जो जानवर है ना, जो देश उड़ गया ऐसे ही भाई जिंदगी जैसे जानवर की हो रही ना ऐसी हमारी हो रही। बाकी सब कुछ है भाई, सिस्टम है सिस्टम, पेड़ पौधे, बट ये है बाग, चिक्कू का बाग है सामने अपना, कुआ है वहाँ पर जाना है अब। ये पेड़ इस साइड भी पेड़ ही पेड़ है, पूरा मेरा गांव है। यो लठ इतनी ऊंचाई पर लठ है, ये मेरा पुराने जहाँ पे जानवर रह रहे हैं भाई, सब कुछ ऐड कर रखा है यहीं पे जानवरों के बीच में। और ये लठ लठ भाई तगड़ा आ रहा लठ। तो भाई मैंने तोड़ ली दातल, क्योंकि मैं कोलगेट तो कभी कभी करूँ 5-7 दिन में, बाकी पर डे जरूर करूँ भाई गाँव आने के बाद, क्योंकि बहुत ज़रूरी है गाँव आने के बाद भाई ये सारी चीज़ें। ये पीछे पूरा गांव है, इस पूरे गांव को सब मैं क्या दिखाऊंगा भाई, पूरे गांव को तो उस दिन दिखाऊंगा जिस दिन कुछ हो जाएगा, उससे पहले दिखाने का कोई फ़ायदा ना है गांव का, दिखाऊंगा। बाकी मेरे मदर फादर तो अगर उनको मालूम भी चल जाए कुछ ऐसा तो वो तो घुड़ेंगे मेरे साथ, पर कोई ना देखा जाएगा जो कुछ होएगा वो भाई, तुम मेरे साथ हो ना सिस्टम हैंग कर देंगे भाई। तो भाई ये है मेरे गाँव की सुनसान सड़कें, जो बिल्कुल सुनसान हो रखी है, आगे पीछे सब गिरता है, कुछ कोई ना देखता पता जाता भी, सब बंद है। वही मैं दिखाना चाहूँगा मेरे गांव की एक पुरानी सी हवेली, बट बहुत जहर हवेली। अब तो क्या दिखाऊँगा, पहला थी ज़बरदस्त, अब तो कुछ भी कौन ना जीरो आएगी। तो गाइस तुम्हारा भाई काट रहा मौज, बट एक मेरा दोस्त था जो अभी भी गया है, उसके दो हो गए बच्चे, तो वो उनको सुबह सुबह बाइक के ऊपर स्कूल के अंदर छोड़ कर आ रहा था, बाकी खेत में काम करके छोड़ के जब छोड़ना आ रहा था, तो तुम कुछ समझ जाओ कैसी हालत होगी बाइक। बट अपा तो जंट है घूम रहा भाई, अपन घर घर में तो नहीं मौज काटे जावा भाई, कुछ दिखाऊँ कुछ नहीं हो। यो लठ अरे यो घर अरे यो, इसके बीच में सिर्फ लठ है, तो लठ का चक्रक में है ना, ये एक इसकी हाइट ना इतनी है कि मेरे को प्रॉब्लम होती है भाई, समथिंग 5.5 फुट पर लग रहा है, तो मेरे को इस पर उलाक के निकलना पड़े हर बार, तो इस बार भी नहीं उलाक के निकलना पड़ेगा। तो हाँ अरे यार ये घर का भी कदे कुछ नहीं होगा, हम कदे कुछ नहीं होगा। तो भाई सुबह सुबह आगो सूरज जहर निकल गो सूरज, नाइस वाओ क्या व्यू है भाई साहब, जहर बिल्कुल ग्रीन हो रहा सब कुछ। जय भोलेनाथ, गाइस घर वालों ने दे दिया हाथ में छल्ली, इसमें दे दी कुछ बोन के, और वो बोन के अब मैं जाकर बोऊंगा खेत में, पापा वहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही है। तो गाइस खेत से तो होया है अब तुम्हारा भाई, बट यार खेत में ना घर वालों ने ये दे दिया, काम वाम करवा ले क्यारी वारी, क्या उनकी क्यारी व्यारी बनवाने का जुगाड़, मेरे नक्के दंताली उनताली हाथ में दे दिया खच्चो, मेरा तो दर्द होगा खोवा में शोल्डर में, अब घर जाके थोड़ा खाना वाना हक के सोएंगे पटकार के 1-2 घंटे के लिए, बाकी फोकट का ज्ञान तो अभी मैं दिया ना है, वो दूंगा 1-1.5 घंटे बाद, तो वो भी ज़रूरी है भाई, जिसको फोकट का ज्ञान चाहे वो तो लेगा, बाकी जिसकी इच्छा ना होगी वो कहाँ तो लेगा भाई। तो भाई मैं आपने दे रहा था ना फोकट का ज्ञान, वो इसलिए दे रहा था क्योंकि देख रहे हो भाई ये हालत इसलिए होगी क्योंकि जो हमारे पड़ोसी है ना, उन्होंने साड़ों ने खेत में जानबूझ के फवारे चला दिए, इस वजह से ना मेरी होगी हालत ख़राब। बाकी साइड बाग वाग के सिस्टम है, प्योर वेजिटेरियन, सब्जी वब्जी
फल फ्रूट सब कुछ है इस साइड। फल फ्रूट सब्जियों का कॉन्ट्रैक्टर है। बाकी सामने घर जा रहा हूँ अब तो मैं। ये तगड़ी सीन कर रखे भाई इन्होंने भी भाग भाग के जाए सिस्टम। तो भाई इस गाँव की और बहुत बुरी हालात नबी में दिखाना सकता। पावली का काम शुरू हो गया इनका कंप्लीट। ये तो कंप्लीट हो के भाई रेडी हैं। दीपावली में पटाखे वटाखे छुटाएंगे बढ़िया धमाके करेंगे धमाके। तो भाई दिन के बज गए 12:30 बट तुम्हारा भाई खाना वाना खा के ऑल सेट और सूरज सर पे आ गया बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा भाई बिल्कुल चमके मार रहा सर के ऊपर कति चमक रहा। तो कोई नहीं चमकने दो इसको, इसको चमकने का टाइम है सूरज का। एक दिन और किसी का भी आएगा चमकने का टाइम। बट यहाँ पर ना साड़ी मक्खियाँ उड़ रही थी मैं तो उनको देख रहा था तो उन मक्खियों की मैंने छोड़ दिया पीछा क्योंकि वो खा सकती हैं। तो भाई अब थोड़ा आराम करे और आराम करके फिर दिखाता हूँ कुछ इस हवेली का पुरानी हवेली का फीचर आपको। बिल्कुल ग्रीन टी हो रखा है बट मैं ब्लैक हो रखा हूँ भाई इसमें। तो गाइस मैं आपसे ना कुछ पूछना चाह रहा हूँ कि एक मेरा दोस्त है जो बहुत ही बेरहम है बट उसका ना मैंने एक काम कर दिया क्या कि मैंने एक अच्छा काम कर दिया तो अच्छा काम कर दिया। तो वो अब क्या चाह रहा है कि अभी ये चाह रहा है कि मैं उससे कुछ रुपए दूँ। मतलब एक मैंने उसकी भलाई कर दी तो उसके उसके वो मेरे से मांग रहा है 1000 रुपये। वो बोल रहा है कि भाई अगर तू मेरे 1000 रुपये दे देगा तो मैं ये काम कर दूंगा अन्यथा नहीं करूंगा। दोस्ती थी 7 साल की। तो तुम बताओ यार कि क्या किया जाए क्या किया जाए। कि मेरे तो दिमाग में ये आ रहा है कि उस दोस्त को या तो छोड़ दिया जाए या फिर कुछ उसके साथ उस जैसा वो कर रहा है उसके साथ वैसा ही किया जाए। दो तरीके हैं तो दोनों तरीके में से एक एक बेस्ट मेरे को ये लग रहा है कि भाई उसको छोड़ दिया जाए। बाकी आप बताओ उसके साथ जैसा वो कर रहा है वैसे किया जाए। बाकी उसकी मेरे पास एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे पास है वो उसके वापस देने की अगर मैं चाहूँ तो ना भी देऊँ या दे भी देऊँ। तो बताओ गाइज 1000 रुपये के लिए वो ऐसे कर रहा है मेरे साथ तो मैं उसके साथ कैसा ये कुछ करूँ या उसे रहने दो छोड़ दो या तुम बताओ यार। कमेंट करके एक बार जरूर बताना भाई कि उसका क्या किया जाए उसके साथ जैसा वो कर रहा है वैसा ही करूँ या फिर कुछ अलग करूँ उसके साथ क्योंकि वो समझदार बंदा है यार थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझदार बंदा है तो उसको एक्स्ट्रा समझदार उसकी समझदारी परे करने के लिए ना वो पूछ रहा हूँ भाई। कमेंट करके ज़रूर बतियो एज मेरी जो भी पब्लिक है। बाकी पब्लिक यार ज़्यादा इंटरेस्ट ना ले रहे लोग इंटरेस्ट ले वह साढ़े अलग ही चीज़ में वो चीज़ अभी मैं कर ना सकता यार थोड़ी सी परमिशन है उस उन परमिशनों में कह दूँ मैं। बाकी टाइम मान दो सब कुछ कर देवेंगे भाई। कोई बोलना चाहो तो भाई कुछ बोल भी दिया करो। भाई ने देखा है कि भाई के चूतिया पोकर रखो से कुछ ऐसी 2-4 लाइन ही अगर तुम्हारे दिल में तो बोल दिया करो। घबराया ना करो क्योंकि घबराने वाली बात ना रही भाई। सिस्टम आटे तो हैंग करना पड़ेगा सिस्टम हैंग वो जब भी कोई रेस्पॉन्स देखो अगला आदमी ने। बाकी वर कोई कमाओ सब कुछ ना भाई। मैंने एक चीज़ तो देख ली और कोई किसी को ना खाने का भी ना देता यहाँ पे। साढ़ा कई बार ऐसा हो जाओ कि सिचुएशन में ना कि कई बार फंस जाओ आदमी उस सिचुएशन में फंस लिया तो उस सिचुएशन में भी जाके किसी चीज़ समझ में आई कि यहाँ पे ना कोई किसी ने खाने भी ना देता तो उससे बढ़िया है कि खुद कमाओ और मौज काटो और घर का मौज कटवाओ। बाकी पब्लिक का कुछ आना जाना ना है मेहनत करो भाई मेहनत स्ट्रगल
जरूरी है वो। बाकी कोई कमेंट करे तो भाई कुछ कर दिया करो, वैसे उम्र ज़्यादा होगी थोड़ा ठीक ना लगे कुछ गलत बोल लूँ, इस वजह से मैं बहुत अच्छी चीज़ ही जो इग्नोर करूँ जानबूझ के कि गलत बोल लूँ ठीक ना लगे। तो बाकी फ्री हो गया बढ़िया ना लग गया मन बेर हो किसी ने, बाकी अगर फिर भी कहने लग जाए तो सिस्टम बैठा दियो। तो भाई राम राम सारे भाइया ने है? वो अंकित बहन पूरे बिल्कुल राइट भाई, उसने 75 हार्ड डे जो चैलेंज करा था ना, वो चैलेंज ने जो सिस्टम हैंग कर दिया वो भाई चार। उस भाई ने जो चैलेंज करा था वो ऐसा कुछ था कि जिंदगी सक्सेस की लास्ट स्टेज चल रही थी उसकी भाई, उसने 2 साल हो गई थी कुछ करते करते, बाकी उसने कुछ ना मिला तो उसने एक ही चीज़ दिमाग में आई कि 75 डे हार्ड चैलेंज, मतलब 3 समझ जाओ भाई, अगर कोई काम कंटिन्यू एक ही काम 75 दिन करना हो वो बताओ कितना हार्ड है, वो काम करे भाई अंकित ने। तो इसी वजह से दिमाग मेरा गया चटक और चटकाई इस लेवल पर चले जाओगी पता ना था। थैंक्स ब्रो। तो गाइस मैं आया था मेरे दोस्त को बुलाने, बट वो दोस्त मिला ना उनका तो भाई गेट ही बंद है, कोई ना है यहाँ पे। 3-4 बार बोले बाकी इनका ये बाग वाग है साइड में, बाकी है ही ना वो यहाँ पे, दिखाई ना दे रहे दूर दूर तक। थोड़ी बहुत देर में फिर आएंगे, फिर मिलेंगे उससे भाई। 1 रुपया भेज दूँगा भाई तार भाई जा रहे हो बहुत हार्ड मेहनत करने। कोई बरे लगा से खरे ने हैं उठे पड़ जाऊंगा मैं। अरे ना पड़ा बरा ना बंद कर फोन बंद कर ले तू चढ़ पहला बाद में चढ़ूंगा बरे तो ना चढ़ो जाओ भाई। अरे चढ़ जाओ। अरे यार तू चढ़ जाऊं पकड़ चल तू तेरे गल गल माऊंगा पकड़ ले सीढ़ी ने चल पढ़ना था एक चल तू चढ़ तू दिखा दे तेरा टैलेंट ना वे हल्ले ना दन सिड्डी तो लमड़दार होए ऐ सिड्डी पकड़ बे ने तुझे पर पर से कोड़ा है ऊपर आया है यो शेखर चढ़ गो शेखर तू फिर दोनों चढ़ गया है हम बता पकड़ा ना पकड़ा ना पड़ेगो सिस्टम है लमड़दार के लमड़दार को पाड़ पकड़ा लंबू ना दिया जाए कितके चढ़ जाए भाई आदमी देख लो मर्दान आदमी कितके चढ़ जाए जी 10 रुपया यार भाई गलती है थी मार करना जी जब ये बात तू बोल रहे राव जी ज्यादा हाइट पे चढ़ गो तो उन्होंने खातर जहर चीज हो पकड़न को क्या जुगाड़ करूं तो भाई ये दिख रहा होगा नाइट का टाइम है।